दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनेकों जगह हैं जो खूबसूरती से भरी हुई है, जहां लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो है तो बहुत ही छोटा, लेकिन वो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। ये देश न सिर्फ सुंदर ही है, बल्कि यहाँ जाने पर किसी भी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस देश में क्राइम रेट 0% है। यह देश इतना साफ सुथरा है कि इसको देखकर कोई भी चौंक जाए। इतना सुंदर देश कि यहाँ के जंगल, पहाड़, झरने व लहलहाते पेड़ पौधों व फूलों को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो आप स्वप्न देख रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप च्युइंगम खाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, हम बात कर रहे हैं एशिया के एक डेवलप्ड देश की जिसका नाम है सिंगापुर। ऐसा शायद ही कोई यहाँ मौजूद होगा जिसने सिंगापुर का नाम ना सुना हो। सिंगापुर एशिया की वो ड्रीम कंट्री है जहाँ पूरी दुनिया उसकी तरह बनना चाहती है। आज हम आपको सिंगापुर की कुछ मजेदार और कुछ डरावने बातें भी बताने वाले हैं, जो आपने किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। और साथ ही हम दिखाएंगे सिंगापुर की कुछ ऐसी शानदार दृश्य जो आपको बेहद ही मनमोहक लगेंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और लीजिए पूरी जानकारी सिंगापुर देश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में शुमार है। देश का मेन आइलैंड बस 50 किलोमीटर लंबा और 27 किलोमीटर चौड़ा है। सिंगापुर इंडिया के 0.2% है। 0.2% मतलब इंडिया उससे 5000 गुना ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दिल्ली भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है सिंगापुर से। सिंगापुर ऐसा राज्य या शहर है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। ऐसे दो और शहर हैं, मोनाको और वेटिकन सिटी। इस देश की जनसंख्या 60 लाख के करीब है। छोटा देश है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, मतलब कि भाई यहाँ आपको कोई भी अनपढ़ नहीं मिलेगा, तो संभल कर जाइएगा आप। दोस्तों, सिंगापुर देश की बात ही अलग है। यहाँ साफ सफाई टॉप लेवल की होती है। अगर कभी आप सिंगापुर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि गंदगी नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। यहाँ आप इंडिया जैसे सड़क पर कुछ भी फेंक कर नहीं भाग सकते, गलती से भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो भारी भरकम जुर्माने के लिए भी रेडी रहिएगा, जो कि $1000 रहता है, और साथ ही 2 महीने की जेल भी। अब जब सफाई की ही बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे खास बात सड़क के कूड़ों को छोड़कर होती है बाथरूम की, शौचालय। अब बाथरूम में आप क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता, लेकिन यहाँ सब पर नजर रहती है। ये मतलब नहीं कि यहाँ सीसीटीवी लगा है। वहाँ पर एक ऐसे डिवाइसेस और ऐसे सिस्टम लगा है जिससे कुछ भी स्मेल आने पर वहाँ के डोर्स बंद हो जाते हैं, और जब तक पुलिस नहीं आती तब तक वो नहीं खुलता। यहाँ अगर आपने टॉयलेट में फ्लश भी नहीं किया तो भी $500 का फाइन लग जाएगा। इस देश में लोग च्युइंगम नहीं चबा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ की सरकार कहती है कि च्युइंगम खाने से लोगों के अंदर 100 तरह की बीमारियां होती हैं। ऊपर से कोई भी च्युइंगम सड़क पर फेंक कर जा सकता है। तो दोस्तों, देश की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए ही च्युइंगम ना बेचने का फैसला किया गया। यहाँ पर क्लीनलीनेस का कीड़ा है, हर जगह साफ सफाई और सुंदरता, लेकिन मेडिकल कंडीशन में वो आदमी च्युइंगम खा सकता है। दोस्तों, बाकी देशों की तरह जहां ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाने की होड़ लगी रहती है, वहीं इस देश में 280 मीटर से ज्यादा ऊंचा कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकता। लेकिन जैसे कि हमारे साइंस में हर जगह एक्सेप्शन है, वैसे ही यहां भी एक एक्सेप्शन मौजूद है। यहां का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम है गुएको टावर, जिसे कि 2010 में बनाया गया था, यह टावर 284 मीटर की है। जी हाँ, वहाँ के लॉ के हिसाब से सिर्फ 4 मीटर ज्यादा, लेकिन है तो एक्सेप्शन ही। दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः 4 भाषाएं बोली जाती हैं, इंग्लिश, चाइनीज, मलय और तमिल। लेकिन एक यहाँ की और भाषा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, ये भाषा है सिंग्लिश। यह भाषा सिंगापुर के लोकल लोग ही बोलते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है।
सिंगापुर के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही स्वस्थ होते हैं। ये तो अपने ऑफिस जाने के लिए भी या तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या पैदल ही निकल लेते हैं। तभी तो यहाँ के लोग दुनिया के मुकाबले सबसे तेज गति से पैदल चलने के लिए फेमस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग 6.15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलते हैं। दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो ये है कि कभी इस देश को सिंहों का शहर कहा जाता था और सिंगापुर नाम भी यहीं से पड़ा। सिंहों का पुर मतलब सिंगापुर। कहने का मतलब ये कि यहाँ पहले शेरों का वास होता था, लेकिन अब इस देश में एक भी शेर नहीं है। अगर आप सिंगापुर जैसे देश को ऊंचाई से देखना चाहते हैं, तो सिंगापुर फ्लायर से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल सिंगापुर फ्लायर एक प्रकार का व्हील है, जिस पर बैठकर आप 360 डिग्री से सिंगापुर के लुभावने दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। ये व्हील दुनिया की सबसे ऊंची व्हील है। अगर आप में बहुत हिम्मत है तो इस व्हील पर रात के समय बैठें। रात के वक्त यहाँ से सिंगापुर का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है, एक क्षितिज की तरह दमकता हुआ। सिंगापुर फ्लायर से आप मरीना की खाड़ी की झलक देखने के अलावा पड़ोसी देश मलेशिया और इंडोनेशिया की भी झलक देख सकते हैं। अब दोस्तों, सिंगापुर में एक जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन। चाइना टाउन जैसी जगमगाती जगह पर आप हमेशा पर्यटकों की भीड़ देखेंगे। अगर आप सिंगापुर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और आपने चाइना टाउन नहीं देखा, तो मतलब आपका ये ट्रिप अधूरा रह गया। यहाँ आपको कई तरह के चाइनीज फूड, जिसके लिए 260 बड़ी बड़ी दुकानें एक साथ बनाई गई हैं, अट्रैक्टिव शॉप्स और पारंपरिक चीनी सामान यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा आप यहाँ फेमस हिंदू और बौद्ध मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, दुनिया की कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो आपको चाइना टाउन में खाने को नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं भी कभी भी किसी फोटो में इस शेर को देखें, तो समझ जाइए कि ये फोटो सिंगापुर की ही है, क्योंकि यह सिंगापुर का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है, द मरलायन। बेहद लोकप्रिय है इस मूर्ति को। जब आप देखेंगे तो ये आधा शेर और आधा मछली के आकार में दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सिंहों का शहर था, इसीलिए इस मरलायन को शेर और मत्स्या का आकार दिया गया। ये मूर्ति मरलायन पार्क में स्थित है। यहाँ सिंगापुर का इतिहास बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया, साफ सफाई को लेकर बड़े ही कड़े नियम कानून हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी गंदगी फैलाते हैं तो $300 का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार भी यही गलती करते हैं तो आपको $1,000 का जुर्माना और साथ ही 2 हफ्ते के लिए रोड की साफ सफाई, एक गंदा सा एप्रन पहनकर जिसमें लिखा होगा कि मैं कूड़ा फैलाने वाला हूँ, उसे पहनकर रोड की साफ सफाई दिन रात करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, ये बात हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो इंडियन भाई बहन हैं, वो हर जगह जा जाके कहीं ना कहीं गंदगी तो करते ही रहते हैं। सिंगापुर देश की एक खासियत, यहाँ का 0% क्राइम रेट है। कभी कभी कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। भाई, यहाँ की ईमानदारी भी लाजवाब है। कहा जाता है कि अगर आप अपना बैग एयरपोर्ट पर रख कर भी चले गए तो कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। सिंगापुर इतना खूबसूरत है दोस्तों कि हर साल सिंगापुर में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश की जनसंख्या से ज्यादा लोग इस देश को देखने आते हैं। भाई, ये तो कमाल ही है। दोस्तों, यहाँ की सबसे सॉफ्ट इनकम टूरिज्म से होता है। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप सिंगापुर की किन किन जगहों में जाके सिंगापुर को बेस्ट तरीके से देख सकते हैं और फुल्ली एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर ने पूरी दुनिया में बहुत छोटे वक्त में विकास की बेमिसाल गाथा लिखी है। सिंगापुर में दैनिक उपयोग की चीजें जैसे पानी, सब्जियां, फल, चावल, सारी चीजें बाहर से आयात की जाती है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, सिंगापुर के इतना जल्दी विकास करने की बात की जाए तो वो मुमकिन हो पाया है यहाँ के कड़े नियम और कानूनों की वजह से, जो बेहद ही अच्छे लेकिन कभी कभी डरावने भी हो जाते हैं। अगर आप में से किसी के साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो या देखा हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वैसे तो सड़क किनारे कहीं भी पेशाब करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन सिंगापुर में उसके लिए कानून है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि लिफ्ट में ही पेशाब करने लग गए थे, जिसे देखते हुए यहाँ की सरकार ने लिफ्ट के अंदर ऐसा सिस्टम लगा दिया कि अगर कोई लिफ्ट में पेशाब करता है तो लिफ्ट तब तक नहीं खुलती जब तक कि पुलिस वाले ना आ जाएं। ये मुमकिन हुआ है वहाँ लगे सेंसर्स के कारण। सिंगापुर में आप अपने घर के आसपास भी नंगे बदन दबंग स्टाइल में नहीं घूम सकते हो। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना बैन है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको $500 का जुर्माना। सिंगापुर में किसी का वाईफाई चोरी से यूज करना जुर्माना माना जाता है। ऐसा करने वाले को $10,000 का जुर्माना। उफ, लाइन तो बहुत लंबी है। दोस्तों, सिंगापुर में एक और नियम है जो सिगरेट्स पीने वालों को बहुत परेशान करती है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आपको सिगरेट पीनी है तो आप सिर्फ अपने घर के अंदर ही पी सकते हैं, और अगर कहीं आपको ट्रेवल करना है तो आप सिगरेट्स साथ नहीं ले जा सकते। अब आती है सबसे खतरनाक सजा। अगर यहाँ कोई ड्रग्स बेचता हुआ या ड्रग्स लिए पकड़ा जाता है तो उन्हें सीधी मौत की सजा मिलती है, और इसीलिए सर्वाधिक मौत की सजा सुनाने वाला देश सिंगापुर है। यहाँ ज्यादातर मौत की सजाएं ड्रग डीलर से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म हुई नियमों और जुर्मानों की बात। अब वापस लौटते हैं सिंगापुर की खूबसूरती पर। दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सिंगापुर में बस इमारत ही इमारत है? तो आप गलत है। यहाँ एक खूबसूरत द्वीप भी है। वैसे तो टोटल 64 द्वीप हैं, लेकिन सेंटोसा द्वीप एक शानदार डेस्टिनेशन है जहाँ आप खुलकर मौज मस्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप सिंगापुर के मशहूर व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ अंडर वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम है जहाँ आप डॉल्फिन्स को तैरते हुए देख सकते हैं। यहाँ का एकमात्र संरक्षित किला सिलोसा भी बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, सिंगापुर में एक हाईवे बना हुआ है जो 3000 किलोमीटर का है, जो कि डायरेक्ट हांगकांग तक जाता है। कहा जाता है कि इस हाईवे के चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। सिंगापुर की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, क्या कहने इसके बारे में। करोड़ों टिमटिमाते डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस यहाँ की रातें रोशनी से नहा उठती है। यहाँ के मशहूर बीचेस के किनारे होने वाले लेजर शो, पेड़ों पर लिपटी लाइटें, रेस्टोरेंट के आसपास विशेष प्रकार की लाइटें सिंगापुर को और भी ज्यादा मनोहर बनाती हैं। आर्चडोर, सिंगापुर रिवर, बरसबासा बगीज, सीबीडी एंड मरीना बे, ये जगहें बहुत ही खास हैं। कहते हैं कि ये देश कभी सोता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी यहाँ जाएं, आपको अकेला फील नहीं होगा। दोस्तों, सिंगापुर खाने के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ दुनिया भर के प्रमुख व्यंजन बेहद ही लाजवाब स्टाइल में आपको यहाँ मिलेंगी, और इन्हीं सबको दिखाने के लिए जुलाई महीने में यहाँ फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। सिंगापुर पर्यावरण की नज़र से भी एक बेहतर प्लेस माना जाता है। यहाँ शहर की शान को बढ़ाती गगनचुम्बी इमारतें और यहाँ की हरियाली एक साथ बेहद सुखद एहसास दिलाती है। दोस्तों, सिंगापुर में भारतीयों की संख्या कम नहीं, करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय यहाँ रहते हैं, इसलिए आपको सिंगापुर में भारतीय चीजें आसानी से देखने को मिलेंगी। यकीन मानिए, सिंगापुर ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाकर इस जगह की सुंदरता का लुत्फ जरूर उठाएं। परिवार वालों के साथ घूमने के लिए सिंगापुर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आप किसी भी जगह जाएं, हर जगह आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। यहाँ की हर जगह सबको हैरान ही कर देगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक में जाकर हमारे Instagram चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।